सो ही हेलो व्हाट्सअप गाइस, क्या हालचाल है आप सभी के। आई होप आप सभी बहुत ज्यादा बढ़िया होगे और आगे भी बढ़िया रहना। स्वागत है सभी का एक और नई वीडियो में। सो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि फ्री फायर की तरफ से डाला गया एक न्यूज वाले सेक्शन में नया नोटिस। तो क्या है इसके अंदर, उसके बारे में डिटेल में बताने वाली हूँ। जो कि गाइस आप लोगों के लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड साथ ही साथ आज की वीडियो में बात करेंगे टूनेट अपडेट के बारे में, क्योंकि कल के दिन हमारी गेम में कमाल का डिस्काउंट इवेंट आने वाला है, जिसका आप में से ज्यादातर प्लेयर्स को वेट रहता है। सो गाइस, कौन सा डिस्काउंट इवेंट होगा वो भी बताऊंगी। साथ ही साथ यार आज की वीडियो में बात करेंगे फ्री फायर एंड बैन को लेकर भी थोड़ी बहुत। तो इसलिए यार आज की वीडियो बिना स्किप किए पूरी जरूर देखना। तो चलो बिना देर किए वीडियो करते हैं स्टार्ट। आइए देखते हैं। तो गाइस सबसे पहले मैं बात कर लूँ यहाँ पर टूनेट अपडेट की। तो यार कल के दिन हमारी गेम में आने वाला है लकी व्हील का डिस्काउंट इवेंट, जो कि यार बहुत ही अच्छा डिस्काउंट इवेंट होता है। मिस्ट्री शॉप के बाद मेरा जो सबसे फेवरेट इवेंट है डिस्काउंट वाला, वो यही होता है, क्योंकि इसके अंदर यार आप लोगों को सारी आइटम्स 9 से लेकर 99 डायमंड तक मिल सकती है, अगर आपका लक बहुत ज्यादा अच्छा रहता है तो। सही बात है। और इस वाले इवेंट में गाइस आप लोगों को हर आइटम बाय करने के बाद फ्री का स्पिन भी मिलता है, इसलिए मुझे इवेंट बहुत ज्यादा पसंद है। एंड साथ ही साथ बात करूं इसके मेन रिवॉर्ड की, तो ये जो बंडल आप लोग बैकग्राउंड में देख पा रहे हो, यही वाला जो बंडल है इस इवेंट का मेन रिवॉर्ड रहने वाला है, जो कि यार सच में काफी ओपी सा बंडल है। So guys, कल के दिन इंडिया बांग्लादेश दोनों सर्वर्स के अंदर आपको इवेंट देखने को मिल जाएगा। क्या बात है। एंड अभी गाइस यहाँ पे बात करूँ थोड़ी हमारी फ्री फायर एंड बैन को लेकर, तो जैसे कि आप लोग जानते हो कि सीएमजी के साथ यहाँ पर मीटिंग की थी गरीना फ्री फायर की टीम ने, जिसमें यार ईस्पोर्ट्स के लिए बात की गई है। और जब से ये न्यूज आई है तब से फ्री फायर एंड बैन को लेकर बहुत सारी न्यूज आ रही है कि फ्री फायर एंड बैन होने वाला है, क्योंकि यार इसके चांस बढ़ भी चुकी है, बिकॉज ईस्पोर्ट्स आ रहे हैं तो फ्री फायर आने के भी चांस बहुत ज्यादा है। एंड आज क्या हुआ है कि गरीना फ्री फायर ने अपना जो कैली वाला शो है उसको इंस्टाग्राम पे डाला है। वहां पर आप लोग नीचे देख सकते हो कि पहली बार इन लोगों ने जब से गेम बैन हुई है हमारी फ्री फायर मैक्स के साथ यहाँ पर नॉर्मल फ्री फायर को भी मेंशन किया गया है, जो कि आप लोग देख पा रहे हो ऑफिशियल पोस्ट है इंस्टाग्राम पे। इससे पहले जब भी मतलब पोस्ट आई है कैली शो की या फिर कोई भी पोस्ट आई है, उसमें सिर्फ फ्री फायर मैक्स ही लिखा होता था जब से हमारी गेम बैन हुई है, लेकिन आज पहली बार फ्री फायर को भी यहाँ पर मेंशन किया है। इतनी खुशी। सो गाइस, इससे थोड़े चांसेस लग रहे हैं कि हमारी इस बार जो मतलब OB40 की अपडेट आएगी ना, उसमें हमारी जो नॉर्मल फ्री फायर है वो भी आप लोगों को प्ले स्टोर पे देखने को मिल सकती है। अभी मैं कंफर्म नहीं बोल रही हूँ ये चीज, लेकिन ऐसा हो सकता है, तो देखते हैं कि क्या होता है। बाकी आप लोग बताना आपको क्या लगता है इस बारे में। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। एंड अभी गाइस फाइनली बात कर लेते हैं वीडियो के मेन टॉपिक, यानी कि हमारे न्यूज वाले सेक्शन में डाले गए नोटिस के बारे में। सुबह मेरे एक सब्सक्राइबर का कमेंट आता है कि दीदी न्यूज वाले सेक्शन में एक इंपॉर्टेंट नोटिस आ रखा है, जाके पढ़ो। सो मैंने गेम में जाकर देखा, तो यहाँ पे इस नोटिस में क्या लिखा हुआ है कि अगर आपके पास कोई भी वेपन रॉयल का वाउचर है, कोई भी आपके पास गोल्ड रॉयल का वाउचर है या फिर डायमंड रॉयल का वाउचर है, ऐसे तो मुझे पता है होगा नहीं, क्योंकि तुम लोगों ने पहले उड़ा दिए होंगे मेरी तरह। लेकिन अगर फिर भी तुम्हारे पास इनमें से कोई वाउचर है तो तुम्हें घबराने की ज्यादा जरूरत नहीं है, बिकॉज यहाँ पे क्या होने वाला है कि 10 अगस्त के बाद से हमारी गेम के अंदर ये जो वाउचर है ये काम नहीं करेंगे, इनका यूज पूरी तरह खत्म हो जाएगा और इनकी जगह तुम्हें 10 अगस्त से हमारे गेम में नए वाउचर्स देखने को मिलेंगे, जिनका नाम रहने वाला है लक रॉयल वाउचर्स। और ये जो लक रॉयल वाउचर्स होंगे ये तुम्हारे लिए ग्रीन कलर के हो सकते हैं या फिर ये रेड कलर के भी हो सकते हैं, इनका भी नाम तुम लोग देख सकते हो लक रॉयल वाउचर्स ही है, या फिर ये तुम्हारे लिए इस तरह के ब्लू कलर में भी हो सकते हैं, जो कि कुछ कुछ डायमंड रॉयल जैसा दिख रहा है, लेकिन इसके बीच की जो आइकन है वो तुम लोग देखोगे तो अलग है। सो ये न्यू वाउचर्स आपको देखने को मिलेंगे 10 तारीख के बाद से हमारी गेम के अंदर। एंड अगर आपके पास पुराने वाउचर्स है तो आप लोग 10 तारीख से पहले पहले उनका यूज कर लेना। एंड अगर तुम लोग इनको यूज नहीं करना चाहते तो तुम लोग इनको एक्सचेंज भी कर सकते हो नए वाउचर्स के साथ। इनका जो एक्सचेंज इवेंट है तुम्हें 10 अगस्त को देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया है, पढ़ सकते हो। ठीक है। सो कहने का मतलब यही है कि 10 तारीख के बाद से इनका यूज खत्म हो जाएगा पुराने वाउचर्स का, इसकी जगह नए वाउचर आएंगे। एंड अगर तुम लोग चाहो तो पुराने वाउचर यूज करके खत्म कर दो, वरना तुम लोग इनको एक्सचेंज कर लेना 10 तारीख को, जब नए वाउचर्स का इवेंट आएगा। बाकी अगर तुम्हें अभी भी समझ नहीं आया है तो मैंने हिंदी में पीछे देखो लगा दिया है, इसका स्क्रीनशॉट लेके आराम से पढ़ लेना। ठीक है, क्या बार ये बात है। बाकी गाइस आप लोग कमेंट करके बताना कि आपके पास कौन से वाउचर कितने हैं। मेरे पास तो आई थिंक गोल्ड रॉयल का एक दो वाउचर होगा, बाकी तो कोई भी वाउचर मेरे पास नहीं है। एंड अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो यार प्लीज वीडियो को लाइक जरूर से करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और साथ में बेल आइकन पैर पर हाथों से ऑन भी कर देना। तो मैं मिलती हूँ आप लोगों से जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंटरटेन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।